रांची जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन के खिलाफ दाखिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाई कोर्ट में सीएम के मामले में वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है, किसी एजेंसी ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, ईडी ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, ईडी ने सीएम को गवाह या आरोपित के रूप बुलाया है ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए ईडी का समन सही नहीं है। मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। पी चिदंबरम मामले में 18 अक्टूबर का समय मांग रहे थे, लेकिन अदालत पूर्व से निर्धारित तिथि 13 को सुनवाई करने की बात कही। वहीं इस पर हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने सुनिए क्या कहा। ईडी के द्वारा जो समन जारी किया गया था उसको चुनौती देते हुए जो हेमंत सोरेन के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस पर आज खंडपीठ वन में सुनवाई हुई। उसमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ थी। ईडी को पूछा गया कि जो समन जारी किया गया है अब तक वो एक्यूज्ड के लिए किया गया है या विटनेस के लिए, यह स्पष्ट नहीं है। तो इस पर माननीय खंडपीठ ने ईडी को 13 तारीख को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है और इस मामले को 13 तारीख को विस्तृत सुनवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं वो अपीयर कर रहे थे, उन्होंने बहस किया है। और ईडी की ओर से एस एम राजू सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपना पक्ष रखा। सर, क्या सीएम की तरफ से बातें रखी गई उनके अधिवक्ता की तरफ से कि कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं है मुख्यमंत्री? ये बताया गया कि कोई किसी प्रकार का जब समन जो हुआ है हम ना एक्यूज्ड हैं किसी में और ना हमें कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो किस बात का समन जारी किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।